हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। इस लेक्चर में हम लोग रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेसेस ये पढ़ेंगे और इसके ऊपर के कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम विल स्टार्ट विद आवर टुडेस टॉपिक, रिफ्रैक्शन फ्रॉम द कर्व सरफेसेस। ओके, अब ये कॉन्सेप्ट क्या है पहले समझ लेते हैं हम लोग। यहां पे है ना कुछ इस तरीके से कर्व सरफेसेस रहेंगे। ओके, ये एक कर्व सरफेस है या फिर ये दूसरा कर्व सरफेस। ओके, नाउ ये रहेगा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे पोल। इसके लिए ये रहेगा प्रिंसिपल एक्सिस और इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे पोल। क्लियर विद दिस? ओके, यहां पे ये कर्व्ड है तो ये कर्व का सेंटर कहीं तो यहां रहेगा, तो ये रहेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इसका इस कर्व सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट साइड में है ना, एंड राइट साइड हमेशा पॉजिटिव होता है। क्लियर? क्लियर विद दिस? ये कर्व सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां तो यहां रहेगा। पोल से जब सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाएंगे तो ये डिस्टेंस क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा, ठीक है। नेगेटिव क्यों नहीं है आप लोग इसको बाद में देखेंगे आप लोग इसके बारे में, ठीक। सपोज एक ऑब्जेक्ट यहां रखा हो, ओ ठीक है, बाद में आप लोग उसको वापस ड्रॉ कर लेंगे। ये C, ठीक। हमको मालूम है P to C जो डिस्टेंस होता है, P to C, उसको हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी P C ये जो डिस्टेंस है ये R से डिनोट होता है, ठीक है। समझ में? क्लियर? पहले ये केस के लिए पढ़ लेते हैं और जो ये केस के लिए फॉर्मूला आएगा वही फॉर्मूला इसी केस के लिए भी रहेगा। सेम केस है। ओके, तो फॉर्मूला इसके लिए डिराइव नहीं करेंगे क्योंकि सेम फॉर्मूला यूज होने वाला है, ठीक। चलो फिर अब इससे इमेज कैसे बनेंगे देखना है आपको। अब इससे जो है ना पहली रे इसे निकलेगी, ये रहेगी इंसिडेंट रे, है ना, इंसिडेंट रे। सपोज ये एंगल जो है ये अल्फा है। ओके, ये यहां पे इस पॉइंट पे ए पॉइंट पे टच करेगी। ए पॉइंट पे हम लोगों ने क्या बनाया? नॉर्मल, ठीक है। अब जिस मीडियम से रे आ रही है उस मीडियम को हम लोग म्यू वन कहते हैं। जिस मीडियम से रे निकल रही है उस मीडियम को हम लोग बोलते हैं, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन कहते हैं। जिस मीडियम में रे जा रही है उसको हम लोग म्यू, उसको रिफ्रैक्ट, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग म्यू टू कहते हैं, ठीक है ना। अब ये रे के साथ में क्या होगा? सपोज ये एयर है और ये ग्लास है, सपोज। So this is rarer medium and this is denser medium. So according to rule, if a ray is going from rarer medium to denser medium, so it should bend towards the normal. So normal की तरफ bend होगी, ऐसा ऐसा जाने के बजाय ऐसा bend हो जाएगी normal की तरफ, ठीक है। ये पहला ray जाएगा, तो ये हो गया पहला refracted ray, ठीक। दूसरा refracted ray कैसा रहेगा? ये सीधा जाएगा विदाउट एनी डेविएशन निकल जाएगा क्योंकि ऑप्टिकल सॉरी पोल की तरफ से जा रहे हैं, तो ये दूसरा रिफ्रैक्टेड रे रहेगा। दूसरा रिफ्रैक्टेड रे जहां मीट करेगा, दूसरा रिफ्रैक्टेड रे पहले रिफ्रैक्टेड रे को जहां मीट करेगा वहां इस ऑब्जेक्ट का क्या बनेगा? इमेज बनेगा। क्या बनेगा? इमेज बनेगा, ठीक है। हम लोग कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, यानी इमेज यहां बनने वाला है। ओके, तो हम लोग कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। ये कंस्ट्रक्शन कर लिया, सपोज ये सी, दिस पॉइंट इज सी, ठीक। यहां से एक परपेंडिकुलर डाला, इसको अपन ने पी डैश बोला, ठीक। अब एंगल देखो, ये नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ में जो एंगल बनता है ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। ओके, ये रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ में एंगल बनाती है उसको हम लोगों ने बोला आर, ये आर है, ठीक है। ये एंगल जो है बीटा है लेट अस से, और ये एंगल गामा है लेट अस से। समझ में आया सबको? ये एंगल सब मार्क कर लो, एकदम अच्छे से मार्क कर लो, तुम्हारे को ध्यान में रहना चाहिए ये एंगल्स क्या है। तो ये हमारा फाइनल कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक। अब देखो, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ मैंने तुमको पढ़ाया है म्यू वन साइन आई
इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर, ये हम लोगों ने पढ़ा है ऑलरेडी, म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर, ठीक है ना। अब ये जो अपर्चर है, दिस अपर्चर इज वेरी वेरी स्मॉल, सो देयरफॉर आई एंड आर दीज आर ऑल्सो वेरी वेरी स्मॉल, ये भी वेरी वेरी स्मॉल रहेंगे। अब आई और आर भी स्मॉल रहेंगे तो देयरफॉर साइन आई कैन बी रिटन एज आई ओनली, क्योंकि आई छोटा है तो साइन आई आई रहेगा, साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा, हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, और साइन आर इज नियरली इक्वल टू आर, है ना, यहां हटा देता हूं, क्लियर। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा फिर, ये वाला इक्वेशन साइन आई की जगह आई लिखेंगे, साइन आर की जगह आर लिखेंगे, तो देयरफॉर म्यू वन आई is equal to mu 2 r। अब देखो तुम ध्यान से, जो ट्रायंगल मैं ये कर रहा हूं क्या बोलते हैं शेड कर रहा हूं उसको देखो ध्यान से, ये वाला ट्रायंगल देखो, ठीक है, ये अल्फा, ये बीटा और आई, आई ये एक्सटीरियर एंगल है, आई क्या है एक्सटीरियर एंगल, तो आई शुड बी सम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स, यानी आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं, आई की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग अल्फा प्लस बीटा, है मैथमेटिक्स है मैथमेटिक्स, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा ट्रायंगल देखो, ये वाला, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। अब ये वाले ट्रायंगल में बीटा एक्सटीरियर एंगल है और ये रिमोट इंटीरियर एंगल्स है आर और गामा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, बीटा इज इक्वल टू R प्लस गैमा, देयरफॉर R इज इक्वल टू बीटा माइनस गैमा, ये वाला वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये वाला वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो देयरफॉर म्यू वन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू म्यू टू बीटा माइनस गैमा, देयरफॉर म्यू वन अल्फा प्लस म्यू वन बीटा इज इक्वल टू म्यू टू बीटा माइनस म्यू टू गामा, ठीक है क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, सारे बीटा के टर्म एक जगह कर लेंगे, है ना, और ये इधर लेकर आ जाएंगे, देयरफॉर म्यू वन अल्फा माइनस म्यू टू गामा इज इक्वल टू म्यू टू बीटा माइनस म्यू वन बीटा, देयरफॉर म्यू वन अल्फा माइनस म्यू टू गामा That is equal to beta common mu 2 minus mu 1, ठीक है। अब देखें हम लोग, क्योंकि अपर्चर स्मॉल है, बहुत स्मॉल कंसिडर कर रहे हैं हम लोग, ये जो अपर्चर है ये बहुत स्मॉल कंसिडर कर रहे हैं, तो उस केस में अल्फा इज नियरली इक्वल टू टैन अल्फा लिख सकते हैं हम लोग, बीटा नियरली इक्वल टू टैन बीटा लिख सकते हैं, क्योंकि वेन एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल टैन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा, साइन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा, tan theta nearly equal to theta and cos theta is nearly equal to 1, ये पढ़ चुके हम लोग, and gamma can be nearly written as tan gamma। अब tan alpha देखो क्या है, tan alpha is opposite upon adjacent, adjacent op dash है, लेकिन p और p dash इतना पास में है कि op dash is nearly equal to OP, है ना, तो tan alpha क्या लिखेंगे, AP dash upon OP dash, ठीक है। tan beta क्या लिखेंगे same way में, tan beta is AP dash upon CP dash, okay, so OP dash can be written as OP, तो यहां पे OP लिखना पड़ेगा, है ना, OP लिखेंगे। सिमिलर वे में tan बीटा कैन बी रिटन एज AP डैश अपॉन CP डैश, बट CP डैश जो है ये CP के इक्वल रहेगा, क्योंकि P और P डैश एकदम पास में है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, AP डैश अपॉन CP,
और गैमा के जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, गैमा टैन गैमा के जगह ये ट्राइंगल देखो, टैन गैमा इज अपोजिट यानी एपी डैश अपॉन या आईपी डैश की जगह क्या लिख सकते हैं आईपी, ये सब वैल्यू यहां डालेंगे हम लोग इस इक्वेशन में, यानी क्या हो जाएगा ये इक्वेशन म्यू वन अल्फा के जगह लिखेंगे एपी डैश अपॉन ओपी माइनस म्यू टू इंटू गैमा, गैमा के जगह क्या लिखेंगे एपी डैश अपॉन आईपी दैट इज इक्वल टू, बीटा के जगह क्या लिखेंगे हम लोग एपी डैश अपॉन सीपी ब्रैकेट में म्यू टू माइनस म्यू वन, सब में से एपी डैश कैंसिल हो गया कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा। अब ओपी यानी क्या है, ओपी यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। आईपी क्या है, इमेज डिस्टेंस है वी, और सीपी क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर, सभी डाल दो वैल्यू तो क्या बन जाएगा इक्वेशन म्यू वन अपॉन यू माइनस म्यू टू अपॉन वी That is equal to mu 2 minus mu 1 upon r. ठीक है? Formula note down कर लो। Okay? Formula सभी लोग note down कर लेंगे। Okay, यहाँ थोड़ा सा correction है यहाँ पे। ये plus चाहिए था, ये भी plus चाहिए था, ये भी plus चाहिए था। Okay? करेक्शन इतना कर लो। हाँ, अब ओपी जब गिनना है हम लोगों को तो हम लोग लेफ्ट साइड में जा रहे हैं तो इट बिकम्स माइनस यू, वी गिनना है तो हम लोग राइट साइड में जा रहे हैं तो प्लस आर प्लस वी, आर गिनने के लिए भी राइट साइड जा रहे हैं तो प्लस आर, तो सब्स्टिट्यूट किया है यहाँ पे तो हम लोगों का इक्वेशन क्या बन गया म्यू वन अपॉन माइनस यू प्लस म्यू टू अपॉन वी दैट इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। इसको अगर सॉल्व किया समझ में आया ना, ओपी गिनते वक्त हम लोगों को लेफ्ट साइड जाना है, लेफ्ट साइड नेगेटिव होता है हमेशा, तो क्या इक्वेशन बन गया फिर हमारा म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू दैट इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर, ये नोट डाउन करना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और यही फॉर्मूला हमको अगले न्यूमेरिकल सभी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में मदद करेगा। ओके, क्लियर विद दिस? और यही फॉर्मूला एक्सटेंड होगा वो कॉनकेव वाले कर्व सरफेस के लिए भी जो मैंने यहां पहले बनाया था। ओके, क्लियर विद दिस? पूरा डेरिवेशन ध्यान में आया? ओके, तो चलो ये फॉर्मूला ध्यान में रखते हुए हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म। ओके, अब मैंने यहां पे डायग्राम में बनाता हूं, तुम भी बना लो इसका फर्स्ट डायग्राम ऐसा, ये कर्व सरफेस है, इस तरीके का कर्व सरफेस है और इसका ये जो दिया है म्यू ये 1.5 दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ऑब्जेक्ट जो है 30 सेंटीमीटर का रखा है यहाँ पे 30 सेंटीमीटर ठीक, और ये एआर दिया हुआ है और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है अपने को, अब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ, तो यहाँ रहेगा क्लियर। अब यहां पे रेज आएंगी ओ से इधर से ऐसा, तो रेज आ रही है एयर से, हमेशा एयर जो जहां से रेज आती है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन होता है मैंने कहा था, तो म्यू वन कितना हो गया यहां पे 1, जहां रेज जा रही है वो ग्लास है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है तो म्यू टू कितना हो गया 1.5। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा यू दैट इज रिटन एज -30 ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर गिनना है तो हमको सेंटर की तरफ यानी पोल से इधर आना है राइट साइड में जाना है, राइट साइड के सारे डिस्टेंस पॉजिटिव तो आर इज इक्वल टू प्लस 10 सेंटीमीटर ठीक है। अब इसके लिए सॉल्व करेंगे, इक्वेशन लगाएंगे, इक्वेशन क्या है म्यू टू बाय वी माइनस म्यू वन बाय यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर, म्यू टू कितना है बेटा 1.5 by v minus mu1 कितना है 1 और u कितना है -30 is equal to mu2 minus mu1 1.5 minus 1 upon r कितना है बेटा यहां पे plus 10 तो 1.5 by v
प्लस 1/30 दैट इज इक्वल टू 0.5/10 0.5/10 यानी 1/20 इधर चला गया तो 1.5/V दैट इज इक्वल टू 1/20 माइनस 1/30 है ना। तो चलो ठीक है फिर इसको सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम कितना लेंगे 60 23 32 इट कम्स आउट टू बी 1/60 ये 1.5/V है तो V कितना हो गया 60 into 1.5 therefore V is equal to 90 cm। V is equal to 90 cm है। अब इसका अगर रे डायग्राम बनाने का कोशिश किया तो देखो कैसा बनेगा, प्लस 90 आया मतलब इधर बनना चाहिए थे तो इमेज तो ये ऐसा जाना चाहिए था लेकिन ये रेयरर टू डेंसर जा रहा है, बेंड्स अवे फ्रॉम द सॉरी टुवर्ड्स अ नॉर्मल है ना, नॉर्मल की तरफ बेंड किया और ऐसे जाके यहाँ पे पहला रे गया और यहाँ से दूसरा रे जाएगा वो यहाँ प्रूट करेगा तो यहाँ बनी इमेज। ठीक है अब ये इमेज एक्चुअल रेज के मीट करने से बन रही है, ध्यान रखना द रे द इमेज इज फॉर्म व्हेन टू रिफ्रेक्टेड रेज एक्चुअली मीट्स तो देयरफॉर ये इमेज जो रहेगी दैट वुड बी रियल इमेज, दैट वुड बी रियल इमेज, वो रियल इमेज है। ओके वो कैसी है रियल इमेज, आर वी क्लियर विद दिस। अब ये रियल इमेज अगले बार जैसे आप हमेशा रे डायग्राम तो ड्रॉ नहीं करोगे ना तो एक बार ध्यान में रखना यू और वी अपोजिट साइंस के रहे, यू और वी यू का वैल्यू कितना है -30 है, वी का वैल्यू कितना है +90 तो अपोजिट साइंस के हैं तो इमेज ये रियल है, यू और वी ये अगर सेम साइन के हैं इमेज वर्चुअल है, ये लिख के रख लू हर बार रे डायग्राम बनाने का जरूरत नहीं करेगा। ठीक है क्लियर विद दिस, नोट डाउन कर लो ये इतना। दूसरे बार में देखो इसके लिए तुम सॉल्व करोगे, तुम्हारे लिए होमवर्क है, देखते कितने लोग सॉल्व करेंगे। ये ओ ये सी ये डिस्टेंस 10 cm 30 cm 1.5 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है अब तुमको सॉल्व करना है इसके लिए, तुमको है ना इसके लिए फी भी निकालना है और नेचर भी निकालना है, नेचर ऑफ इमेज। वी और नेचर ऑफ इमेज दोनों निकालना है, फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म एंड नेचर ऑफ इमेज ऑल्सो, ये होमवर्क तुम्हारे लिए। अगेन वी निकालने के लिए फॉर्मूला μ2/V - μ1/U इज इक्वल टू μ2 - μ1/R, उसे वी निकालो, वी और यू का नेचर देख लो, यू तो हमेशा -30 रहेगा, अब सिर्फ वी अगर पॉजिटिव आया तो इट इज रियल, वी अगर नेगेटिव आया तो इट इज वर्चुअल। ओके क्लियर विद दिस। एन एयर बबल इन अ ग्लास म्यू इज इक्वल टू 1.5 इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस 3 cm फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस ऑफ डायमीटर 10 cm एज शोन इन फिगर, फिगर में बनाता हूं। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस विल द बबल अपीयर इफ द सरफेस इज कॉन्वेक्स एंड सेकंड टाइम द सरफेस इज कॉनकेव, है ना। अब इसका डायग्राम मैं बना के देखता हूं, डायग्राम बना लो सॉरी। ये क्या रहेगा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है तो फिर ये हो गया कोण। अब इसका डायमीटर 10 cm है तो ये वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 5 cm। एन एयर बबल इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस 3 cm फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस ऑफ डायमीटर। अब जो एयर बबल है हमारा एयर बबल 3 cm यानी कहीं पे तो यहां पे एयर बबल इसको ओ बोलते हैं, ये 3 cm का। ओके क्लियर विद दिस। अब वो इंसान के आंखों को कहां दिखेगा, ओके इंसान की जो आंखें रहेगी वो यहां रहेगी बोलते हैं, ठीक है क्लियर। अब रे जो है यहां से ऐसे निकलेगा, ओके
ये रहेगा नॉर्मल, नॉर्मल. अब इट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है क्योंकि वो एयर है ना. तो रे जहां से निकलती है, जहां से रे निकलती है उसको हम लोग बोलते हैं म्यू वन. तो यहां पे म्यू वन कितना हो गया 1.5, और जहां रे जा रही है रिफ्रैक्शन के बाद में जहां जा रही है उसको हम लोग बोलते हैं म्यू टू, और वो हो गया 1. उसके उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बोलते हैं म्यू टू, और वो हो गया 1 यहां पे क्योंकि एयर एयर में जा रही है. ठीक. अब ऑब्जेक्ट जो है इधर सिचुएटेड है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो रहेगा वो रहेगा -3 सेंटीमीटर क्योंकि तुम पोल से लेफ्ट की तरफ जा रहे हो, और रेडियस ऑफ कर्वेचर गिनने के लिए भी तुम लेफ्ट में जा रहे हो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो रहेगा यहां पे -5 सेंटीमीटर रहेगा. ठीक है, समझा सबको? तो चलो इसके लिए सॉल्व करते हैं. इक्वेशन क्या बनेगा, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू दैट इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर. ठीक है, म्यू टू कितना है बेटा 1 अपॉन वी निकालना है, माइनस म्यू वन कितना है, सभी वैल्यूज प्रॉपरली सब्स्टिट्यूट करो और अपने साइंस के साथ में सब्स्टिट्यूट करो. आर माइनस फाइव है, माइनस फाइव भी रखना पड़ेगा यहां पर. तो कितना आएगा ये 1.5 अपॉन वी प्लस 1/3 दैट इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 0.555 आएगा दैट इज 1/10. ये इधर चला गया 1.5/v दैट इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/3. एलसीएम कितना आया इसका 30 दैट इज 1 - 10 व्हिच इज -9/10 9/30 है ना. 10 10 हो गया 1 - 10 -9/30 which is -3/10. ओके, समझ में? नहीं, सॉरी हिच टू, सॉरी हाँ मिस्टेक हो गई. एलसीएम आई 30 तो इट इज 3 - 10 which is -7/30. तो v का वैल्यू कितना हो गया, v का वैल्यू v इज इक्वल टू 1.5 इनटू 30 माइनस साइन के साथ में अपॉन 7, तो v इज इक्वल टू -45/7 सेंटीमीटर. तो v इज इक्वल टू -7/6 = 42 है ना, 30 7/4 = 28 20 7 = 14. तो इमेज बनी -6.42 सेंटीमीटर. ठीक है, सेम साइन है, u की जो साइन है वही v की साइन है, तो नेचर कैसा है बेटा इसका, वर्चुअल नेचर कैसा है, वर्चुअल. अब इसकी रे डायग्राम बनाओगे ना, अब गोइंग फ्रॉम ऐसा जाना चाहिए था, इट इज गोइंग फ्रॉम टेंसर टू रेरर, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ओके, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्लियर, समझा? कुछ तो यहां पे मिस्टेक किया है क्या हम लोगों ने? हाँ, बहुत बड़ा मिस्टेक किया हम लोगों ने. एक्सट्रीमली सॉरी, ये कैलकुलेशन वन मिस्टेक हो गया यहाँ पे बहुत बड़ा. ओके, इट इज 1 - 1/3 तो यहाँ पे पूरा पूरा चेंज हो जाएगा. हट, चलो कट करो इसको, सॉल्व करो वापस से, बहुत मिस्टेक हो रहे हैं ना, कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत हो रहे हैं. माइनस प्लस 1/2 दैट इज इक्वल टू -0.5/-5 तो ये हो गया 1/10. ये इधर चला गया 1/v = 1/10 - 1/2 है ना, तो इट इज 2 - ये हो गया एलसीएम 10 1 - 5 दैट इज -4/10. तो यहाँ से v का वैल्यू आया -2.5 सेंटीमीटर. मुझे कैसे पता चला मालूम है क्या मिस्टेक हुआ, क्योंकि जब मैं इसका रे डायग्राम बना रहा था ना, तो ये रे जो है इधर गई, ये यहाँ पे मीट करेगी कहीं, तो यानी इमेज जो है यहाँ पे बन रही है, ऑब्जेक्ट के पहले इमेज बन रही है, मतलब यहाँ पे, यानी इमेज का जो डिस्टेंस है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से कम आना चाहिए और हमारा ज्यादा आ गया. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -3 है तो इमेज डिस्टेंस -3 से कम, मतलब -2.5 आना चाहिए था, तब मुझे ध्यान में आया कि हम लोग गलती कर बैठे. ओके, एनीवेज इट वाज दिस मिस्टेक, यहां पे हम लोगों ने गलती कर दिया,
तो थोड़ा हम लोग ध्यान रखेंगे तो नहीं होगा वो मिस्टेक। ओके क्लियर विद दिस? चलो इसी का दूसरा पार्ट कवर करते हैं हम लोग कॉनकेव के लिए, यानी ये इस तरीके का सिचुएशन है। चलो इसको विदाउट मिस्टेक सॉल्व करेंगे इस बार, है ना। यहाँ पे है ऑब्जेक्ट, यहाँ पे है सेंटर ऑफ कर्वेचर, नहीं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ नहीं आएगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर आएगा। तो मतलब आर गिनते वक्त हमको राइट साइड में जाना है। रे यहां से निकल रही है तो म्यू वन जहां से रेज निकलती है वो क्लास है, तो क्लास का 1.5 है। जहां रेज जा रही है वो एयर है रिफ्रैक्शन के बाद में, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहां पर -3 सेंटीमीटर आज भी, और रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा +5 सेंटीमीटर। ठीक है चलो इसको सॉल्व करते हैं, इसका रे डायग्राम ही बनाएंगे यानी हमको क्लियर होना चाहिए। तो कहेगा म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। ठीक है म्यू टू कितना है बेटा यहाँ पे 1 अपॉन वी माइनस 1.5 अपॉन यू कितना है -3 दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 1.5 अपॉन 5 तो ये हो गया -1/10। माइनस माइनस प्लस तो 1/v प्लस 1/2 इज इक्वल टू -1/10 इधर गया तो 1/v इज इक्वल टू -1/10 -1/2 दैट बिकम्स एलसीएम 10 हो गया -1 -5 दैट इज इक्वल टू -6/10 तो v हो गया 10 बाय -10/6 यानी हो गया -1.66 सेंटीमीटर। ठीक है समझ में आया सबको? क्लियर है? अब इसकी रे डायग्राम कैसी बनेगी देखो, ये गया है यहां पे, है ना। अगेन यहां पे हम लोगों ने ये बनाया नॉर्मल बनाया डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, है ना। तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल ऐसा जाएगा, तो वो अगर तुम पीछे एक्सटेंड करोगे तो यहाँ पे आएगा ऐसा, ये रे पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा, ये रे इधर जा रही है ना तो इधर एक्सटेंड करना पड़ेगा, तो इमेज यहाँ बनेगी बहुत पास में बनेगी फोल्ड। नेचर कैसा है इसका, यू भी निगेटिव वी भी निगेटिव सो इट इज वर्चुअल इमेज। क्लियर विद दिस? ध्यान में आए सबको? ओके चलो। इन अ थिन स्फेरिकल फिश बाउल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर फिल्ड विद वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 देयर इज अ स्मॉल फिश एट अ डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर सी, वेयर विल द फिश अपीयर टू बी इफ सीन फ्रॉम बोथ द साइड्स। ओके ये होमवर्क है लेकिन मैं तुमको इसका मेथड बताता हूं। देखो ऐसा स्फेरिकल बाउल है, इसका अंदर क्या ऐसा बना लेते, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, फिश जो है इसके अंदर पानी भरा हुआ है ना, पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक है। फिश जो है ना एट अ डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, अब इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है यानी ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है और ये वाला डिस्टेंस भी 10 सेंटीमीटर है ना। फिश कहीं तो 4 सेंटीमीटर पे सेंटर से, यानी फिश कहां तो यहां पे, ये फिश का। ओके क्लियर विद दिस? तो तुमको क्या निकालना है, फिश का इमेज जब तुम पहली बार ये साइड से देखोगे और दूसरी बार ये साइड से देखो, ठीक है समझ में? तो इसको फर्स्ट केस बोलेंगे और इसको सेकंड केस बोलेंगे, ठीक है। अब फर्स्ट केस में ये पोल है, पोल ये है, अभी इसको भूल जाओ फर्स्ट केस, सो फॉर फर्स्ट केस है ना, मैं सिर्फ है ना वैल्यूज लिख के दे देता हूं, सॉल्व करके आंसर बता देना। फर्स्ट केस में पोल है, जो डिस्टेंस रहेगा वो यहां से यहां रहेगा अपना, है ना। तो डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस इधर जाएगा यानी पी से एफ रहेगा। अब ये टोटल 10 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये कितना हुआ बेटा 6 सेंटीमीटर हुआ ना, तो यहां पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -6 सेंटीमीटर आएगा। रे ऑफ लाइट यहां से निकलेगा ऐसा, यहां से निकलेगा ना ऐसा जाएगा ना,
तो जिस मीडियम में है, वाटर में है ना रे ऑफ लाइट, तो म्यू वन वाटर का दैट इज 4/3। फिर वो एयर में जाएगा रिफ्रैक्शन के बाद में, ऐसा नॉर्मल यहाँ पे नॉर्मल बन गया, फिर वो एयर में जाएगा, तो एयर में जाएगा तो उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू वन आ जाएगा। ठीक है, अब इसका जब रेडियस ऑफ कर्वेचर गिनना है तो अपने को इस साइड में जाने, पोल से सी तक यानी लेफ्ट साइड में जाने, तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा -10 सेंटीमीटर आएगा, इसके लिए फिर निकालोगे। ठीक है, समझा। अब सेकेंड केस में, सेकेंड केस में आके इधर है, तो ये हो गया पोल। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना रहेगा पोल से लेके यहां तक रहेगा, अब ये 10 है और ये 4 है, 10 और 4 14 हो गया, तो u इज इक्वल टू -14 सेंटीमीटर लिखा हम लोगों ने सेकेंड केस में, है ना। अब रेज यहां से ऐसी निकलेगी तो वो वाटर में से निकल रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मीडियम से निकल रही है उसको म्यू वन बोलते हैं अपन, और म्यू वन कितना है यहां पे 4/3। जिस मीडियम में जा रही है वो एयर है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। समझ में आया तुमको। अब यहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर गिनने के लिए तुम इस साइड में जा रहे हो, क्लियर, समझा सबको यहां तक, हाँ क्लियर है, यहां पे कोई डाउट है किसी को, नहीं। अब ये इस तरीके के यहां पे सॉल्व करो, इसको यहां पे ड्रॉ कर लो सभी लोग। हाँ, यहां पे सेकेंड केस में सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी ऑब्जेक्ट से रेज निकल के इस साइड में जा रही है, इस साइड में, और रेडियस ऑफ कर्वेचर गिनने के लिए तुमको अपोजिट साइड जाना पड़ रहा है। ऑब्जेक्ट से रेज निकल के इस साइड जा रही है और तुमको रेडियस ऑफ कर्वेचर गिनने के लिए अपोजिट साइड जाना पड़ रहा है, ओके। तो इसलिए यहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर भी निगेटिव ही लेंगे और वो -10 सेंटीमीटर लेंगे। ठीक है, यहां पे माइनस क्यों लिया था, देखो यहां से रेज निकल के इस साइड गई थी और रेडियस ऑफ कर्वेचर गिनने के लिए तुम इस साइड आए थे, रेज निकल के ऐसी गई थी ना, तो ये हमारे लिए पॉजिटिव डायरेक्शन हो गया, तो ये इधर रेडियस ऑफ कर्वेचर गिनने के लिए तुम पोल से सी पे इधर आए थे, लेफ्ट उसके अपोजिट साइड आए थे, निगेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, यहां पे भी वही हुआ, ऑब्जेक्ट से ऐसी रेज निकली और आंखों की तरफ गई, तो ये साइड हमारे लिए पॉजिटिव हो गई, और आर गिनने के लिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर गिनने के लिए तुमको उसके अपोजिट जाना पड़ रहा है, पॉजिटिव के अपोजिट है ना, इधर निगेटिव, तो यहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर निगेटिव लेना पड़ेगा। इसको स्टार मार्क करके रखो, नहीं तो तुम क्या बोलोगे कि तुम यहां से पोल से यहां जा रहे हो तो इसको पॉजिटिव ले लो, क्योंकि राइट साइड हमेशा पॉजिटिव, राइट साइड हमेशा पॉजिटिव नहीं, रेज निकल के जिस साइड जा रही है उसके अपोजिट साइड है, इसलिए निगेटिव आएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, विच वॉज रिफ्रैक्शन एट कर्व सर्फेसेस। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे का कॉन्सेप्ट दैट इज प्रिज्म, इसके बारे में बात करेंगे। ओके, दैट्स इट।